बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूं जितना सारे संगी दोस्त बना अपना ठीक ठाक हो, सो फिट पार हो, सो अपने मज़े ना ज़िंदगी गुजारने हो, सो पाकिस्तानी चो सो चाहे परदेसी चो सो बड़े खुश हो सो जी। उम्मीद ही कर सा इस तरह मैं मौजूद हाँ जी बंदा ने चीज़ कहने स्वेब दरबारी इस तरह मौजूद हाँ जी बाबा फजल शाह कलयामी दरबार शरीफ पर तुसा की नज़ारा कराने दरबार शरीफ की ज़ियारत भी कराने जो परदेस भैन है भ्रा है जो कि दरबार शरीफ नहीं हेज सकने पाकिस्तान बोलता है चैनल के जरिए सलामी करी सकने जी दरबार शरीफ में बहुत सारे यानी कि हिदकत ही काफ़ी यानी कि दूरों दूरों लोग आए जमा सलामी करने पे अपनी अकीदत ना इजहार करने पे और मेरे दहन भी इन्हें काफ़ी हजूमा इतना है तो तुसा कि नाल नाल यानी कि सलामी भी कराने हैं तकरीबन साई साहब बैठे जी साई मोहन साहब इन्होंने को मेरे दहन भी बैठे बड़े बड़े दूरों लोग आए। अस्सलाम वालेकुम जी साई जी। साई जी क्या हाल है? ठीक हो? सही ठीक है साई जी। क्या नाम तुसा ना? जी मेरा नाम साई मोहन है। आज पाकिस्तान बोलता है टीम तुसा ने दरबार शरीफ को हाजिरी दी। मैं खुद भी गद्दी नशीन हाँ दरबार शरीफ से सही कहाँ तो अज आए थे दरबार तुसा ने मेरी दहन है बाबा जी ने मेरी दहन है जो इतने सलाम नहीं करी सकने बाहर है परदेस है अपने पाकिस्तान बोलता है चैनल जरिए उन्हें सलाम कराया जाए बाबा जी अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे उन्होंने परेशानियां दूर फरमान आमीन बेहतरीन असबाब पैदा फरमान अल्लाह पाक उन्हें रहमत फरमाए उन्हें चैनल की खुशहालियाँ नसीब फरमान आमीन हाजिरी करवाओ सारे हाजिरी करवाओ सारे। बाबा फजल शाह कलयामी जी दरबार शरीफ तुम तकने पे जी ये सारिया भैन आई जी दूर दराज सो साई होने पर बैठे भाई जान क्या हाल तुसा ना? क्या नाम है? जफर जाए भाई जफर साहब कराल चौक जी कराल चौक पिंडी सुन सलामी करने आयो जी ठीक है अंदर न रोजा जी तुसा तखने पे जी सारे संगी दोस्त भैणा भरा बाबा फजल शाह कलयामी दरबार शरीफ ना मंजर सवेब दरबारी ने कैमरे ने अख नाल जी मंजर आ जी बाबा फजल शाह कलयामी ने अलहमदुल्ला। क्या नाम तुसा ना? मेरा नाम जंगीर। जंगीर साहब कैसे जाने हो? असा मजे आ पुच्छा पुच्छे ने ठीक भाई क्या सलामी शामी करने ता आए हो जी कितने ऐसे जी चौधरी की बात है जी चीजी चौधरी की बात है लगातार मजे आ जाती है उन्हें काम करने मतलब सड़ा खड़े हो ये बच्चे तुसा ने जी आपस में जी माशाल्लाह एक बुजुर्ग तो ही आए गुजरहान सो आए बाबा जी ठीक हो सेचे ठीक है करो मैं अल्लाह ना बुजुर्गों की दुआ बुजुर्गों ने नगरी ताए अच्छे बैठे हो इंशाल्लाह और सब जिंदगी हो जा हमने बेटा कितनी उम्र है ये बाबा जी 80 साल माशाल्लाह 80 साल आजकल उम्र होनी नहीं पहले बंदे टूरी जाने तो जाना थे इस लोग ये है गाले है पाल तक ही समझे बुजुर्ग ये भी यानी के दरबार शरीफ में पता नहीं खादम है या क्या हिसाब है इतना तक ही समझे जी दोस्तों दरबार शरीफ जी
हाँ शरीफ उप्पर दरबारी सारे कट्ठे हो गए बंदे ने चीज किया है शरीफ दरबारी बस मम्मा शरीफ खान साहब भाई जाना होगा बच्चा चाहे आए इस्लामी कर असलाम वालेकुम भाई क्या हाल है ठीक है उसे अच्छे ठीक है क्या नाम भाई ना गुलफराज भाई कह जाए इस बारे कोटला एक साइड पर चक बेली रोड पर जरा मुन्ने की दसो ना इधर जरा कैमरे क्या माशाल्लाह क्या नाम सी उस्मान साहब माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम रखा है ये प्यारा बच्चा है अल्लाह इसने सी बच्चे का भी अल्लाह इसकी लंबी जिंदगी दे मासी अली अकीदत ना इजहार करने सलाम सलामी करने का कर जाए सर मासी जी क्या नाम तो साना जी कहा जंगल सभी हम शहर चु आए हो बड़े दूरों आए हो हैं जी अच्छा को बच्चा ब्याह शाया भैया अच्छा दो तरह तो सन जी अच्छा बावे देख चाड़ी में तकसीम करी सड़ी पे बड़ी जल्दी कीती वे को अपने आए ले वो असा किने वे खड़ाए छे जा पता असा मैं पहली बार आई हां अच्छा क्या एक बार आई सी पर फिर तो ना काफी टाइम बाद आई अच्छा बड़े जी ने जी मैंने श्री पांच साल ना अंदर ना रोजा जी सोना मुर्शद शाना वाला सोना मुर्शद शाना वाला बन्ने लासी मेरा मेरा पीर जलाली मेरा पीर जलाली मेरा पीर ये साजी अंदर ना मरदा जी कल्याण शरीफ के दरबार में ऐसे ज़्यादा एक और आ गया सलाम सलाम कम बचे ठीक हो से ठीक है क्या नाम बचे ना ऐसा साहब कुछ आए हो मोड़ा यार चला मोड़ा यार कुछ है ना जा ठीक हो सलामी आए जी बुजुर्ग जी अपने भी अंदर काफ़ी रश है सलाम ना सलाम जी अमर खान जी बाबा जी ठीक है सर अच्छा ठीक है जी अल्लाह का जी मोड़ा यात्री मोड़ा यार सलाम शाम करने का कितने अपने अपने दरबार पर बहुत अच्छा क्या नाम है मोहम्मद प्याज क्या कम शाम करने हो जी गड्डी सलाम करने पा रहे हैं जी बड़े मेहरबानी जी तक ही सकने अजीब खान एक कल्याण शरीफ दरबार शरीफ ना मंदिर है सलामी यानी कि काफ़ी अजूम आज इस दरबार शरीफ पर एक शानदार ने नज़ारा आया साईं मोहन साहब दम शंभाने बजी बन जाएंगे झाड़ू हर जमरात मामूली हस्ती है बहुत बड़ी हस्ती है इतने सालाना दस रोजा उस बकायदा और बड़े दूर दूर के लोग आने सब तो बड़ी गल है कि इतने ऊंचा में मंडी एशिया मतलब मंडी लगनी है जी कि पूरे एशिया सब तो बड़ी मंडी है ऊंचा में ऊंच आने बड़े दूर दूर के लोग फतेहगढ़ कलागांव एक खैरी मूर्ति और बड़े दूर दूर के लोग इतने आने हाजरी इतने हाजरी देने सलाना मतलब कुआली भी होनी है लंगर भी तकसीम है नहीं मैं
ਚੱਕਬੇਲੀ ਖਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਜਮਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬੜੇ ਖਾਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਆ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲੋ ਜੀ صابر کے پیارے
बहुत दूर से तेरे मस्ताने आए, सदा दे रही है ये बादा परस्ती, पुकार उठी है तेरे मस्तों की मस्ती। बाबा से पूछा, साबर से पूछा, बाबा से पूछा, साबर से पूछा, कैसा है मेरा फजल। वो बोले वो है एक जगत में, बाबा से पूछा, साबर से पूछा, कैसा है मेरा फजल। वो बोले वो है एक जगत में, बाबा से पूछा। राफे जलाली दी मैं बंगती, राफे जलाली दी मेरा राफे जलाल सोना पीरे, मैं मंगती शाह जलाली दी। मैं मंगती राव जलाल दिया, ओदे नाम दा विरद पका, मेरा रक्त भरी हज हो जांदा ए, मेरा रक्त भरी हज हो जांदा ए, जदों दर मुर्शद दे आ, मेरा रक्त भरी हज हो जांदा ए, जदों दर मुर्शद दे आ, हज हो जांदा ए, जद दर मुर्शद दे आ। बहुत माशा अल्लाह भाई जी बोल बोले ने यकीन मना मेरा के सुर आया ते नवाशा ने तुसा अपना दसया है जरा मेरा नाम मोहसिन है यार, मोहसिन है यार, तुसा अपनी भाईजान तुसा जी गफार साहब ए लाहौर दी टीम बैठी थी, बहुत सोहने कवार है, अगर तुसा इन्हें रबता करना वै इन्हें बकायदा नंबर किया जा सी, जिस बंद शेयर कर बकायदा इसने पर चैनल को इन्हें नंबर दिता जा सी, वो इन्हें रबता करी सकना यानी कि बहना लगा जी थकी सकने तुसा इस थोड़ा जहा थोड़ा जी उच्चा बोलिए क्या ना तुसा ना बावे जी ने बड़े बड़े गुरु मंदर ध्यान इसने दो ध्याड़े जमरात और इतबार की तरह इस्लामी होने तुसा कि इस्लामी कर लेते सर्दियाँ अच्छा 10 बजे टाइम ग्रांड सर्दियाँ चंगा ग्रुप नेरा होना अच्छा।
दोस्त मेरे नाल बैठे जी तां जासा नाल जमीन लगे रखा तो मैं क्या ग्रां का मसला है उधर होया मैं उधर नहीं उठा तो साहब ने बाजी साहब तशरीफ फरमा सकते हैं रिजवान साहब ने उन्होंने दूर को बात की इस टाइम को उधर जी बुलाया है आओ करे नगर कलयामी साहब ने यानी कि बोल है जी यानी कि जो बंदा अस ना भुखा नहीं जाना वो खाई दे रोटी लिखा से या कोई ना कोई लंगर यानी कि कही जा सी फिर तुम्हें अंदाजा हो पूरे कल्याम इतने है ही है जिस घर भी चले जाओ ना जी उतना अमर नवी उस्मान अली गल अस्पताल वाली गल होनी उस्मान जी जी दसा मैं बहुत दुआ दरखास्त ही सारे पास की थी लेकिन अल्लाह पाक ने जिंदगी उसकी इतनी ही दी अल्लाह समान वाले बस सर ये तो है पूरे खानदान वास्ते मैं कल इंतजार करना ठीक है सारे जाना ठीक हो अल्लाह पाक ने करम क्या नाम तुम्हारा आसिफ मैं कलयामी आसिफ मैं कलयामी बजुर्ग हो बजुर्गों से बड़ा प्यार जसवेद पाल है किसी ने प्यार करना चाहिए वैसे ही बजुर्ग का एहतराम बहुत ज्यादा प्यार भी बहुत ज्यादा है जबान ही मिठी है फिर अपनी मां बोली बोलो ना तो उससे जोर ही बिठा असा इस अपने मुँह बोली जी है ना साड़ी मां या जो पटवारी असा इस पटवारी प्रोग्राम में करने हैं ठीक है ये नवी यंग जनरेशन की कोई दो ना पैगाम ना जो परदेस भी तुम तकने पे दरबार शरीफ ने हवाले ना भी दो और यंग जनरेशन की भी दो ये यंग जनरेशन की जनाब यही है पैगाम है कि ये बुजुर्गाने दीन जड़े इस खिते हैं बड़े सभी ने उत्थे अगर इस्लाम की लोगों की अगर पहचान दिती तो इन्ना बुजुर्गों दिती और इन्ना बुजुर्गों ने तबलीग ने जरिए आज असा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हाँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कलमा पढ़ने तो इन्होंने तो फैल ही अल्लाह ताला असा पर करम किया और असा असा अपने अबाव अजदाद और असा इस सच्चे मजहब आले पास असा रहनुमाई मिली और असा की तौफीक हुई अल्लाह ताला की असा उसी जात पर ईमान रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात पर ईमान लाइए इस जो कुछ असा की इस इलाके च तबलीग ने जरिए असा जो मिलिया वो इन बुजुर्गों ने दिखा तो इन्होंने फैज़ ता क्यामत जारी रह सी जी क्योंकि नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद ख़त्म हुई उस तो बाद खिलाफत शुरू हुई खिलाफत हज़रत अली करमल्ला वजू तो बाद ख़त्म हुई उस तो बाद अगर दीन नहीं तबलीग या दीन नहीं बाकी जो चीज़ें वो सपुर्द हुई इन्ना औलिया कराम ने सपुर्द हुई और ता क़यामत तक इस दीन की जिंदा रखने वास्ते रहनुमाई कराम जड़े ये असने रहनुमाई करने रह सकते और असा तमाम अपनी नौजवान जी नसल है इन्होंने यही गुजारिश करता कि तुम बुजुर्गाने दीन ने तालीमात पर अमल करो और इन्होंने दरबारा के हाजिर दो उत्थे आके कुछ उन्होंने वास्ते साले सवाब करो तो इंशाअल्लाह ताला निज़ाम कायम रहसी ता क़यामत तक जब तक दुनिया कायम है तो बुजुर्गाने दीन का फैज़ जारी रहसी पूरी दुनिया का माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी पाका करीम शाह कह के बोलियाए काम जो अल्लाह पाक के दोस्त है अल्लाह पाक ने ऐसा मरतबा अदा किया है जिस टाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना दोस्त कह रहे ना तो इन्होंने दरगाह से पहुँच के
एक दिली सुकून, कलबी सुकून है, दिली सुकून है, वो इतने आगे मिलना है। मेरी अपनी एक अगवाई थी कि मैं एक बार बड़ा परेशान था, टेंशन है, जब कोई समझ ना आए, राती तकरीबन एक बजे घरों चलिया, इतने आगे बैठा दो घंटे, मुड़ फजर फिर घर पड़ी, उस तो बहुत सुकून नहीं। मज़ारात हैं जिस जगह से जिंदा हस्तियाँ मौजूद हैं, या पर्दा करण तो बाद जिस जगह से मखून है, ये अल्लाह पाक का फरमान है, उस जगह के 90 गज वास्ते मैं अपनी रहमतों का नजूल छम छम बरसा। औलिया इकराम देने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, आका करीम की जात तकसीम करने वाली है। ये वो हस्तियां कि जिहड़ियां रखते लै के असी इतने मुरादा है मंगना अल्लाह ताला को, सिर्फ इन्होंने सिफारिश पेश करनी है। जरिया ये होने, जरिया ये होने, इन्हों की सिफारिश होनी, इन्हों की निगाह करम होनी, देने वाली अल्लाह पाक की जात है। इन्होंने हस्तियां जोड़े लोग वाबस्ता है, कद भी ना परेशान होए तो ना कभी उन्हें किसी किस्म का घाटा उठा हो। सारे दोस्तों ही पैगाम है कि जिस टाइम भी कोई टाइम हो नज़दीक, अगर बाबा साहब का मजार नज़दीक है, नहीं है किसी भी बुजुर्गान दीन जिन्होंने अल्लाह पाक की राह के अपनी जिंदगी गुजारियां, उन्होंने हाजरी कभी गदार पाने जा। अल्लाह पाक ये क़यामत वाले दिन भी सिफारिश ही होंगे गुरमुखी की बारगाह, बस यही दुआ है कि सारे दोस्त अकीदत मुहब्बत अच्छा जी। आखिर मैं जनाब हम इस चैनल के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कल्याम शरीफ हजरत ख्वाजा फजलुद्दीन चिश्ती साहब की कल्यामी के मज़ार पाक अपना विज़िट किया, अपनी हाज़िरी लगाई है, और तमाम दोस्त जो सुनने या देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप लाइक करें, आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह की अच्छी मालूमात दीन के हवाले से और बुजुर्गान दीन के हवाले से, इस्लाम के हवाले से ये अपनी कोशिशों और कावशों को जारी रखेंगे। जो दोस्त यहाँ भी तशरीफ लाए हैं जिनकी हाज़िरी हुई है, अल्लाह पाक इनको भी मज़ीद शहादत अदा करे, और अल्लाह पाक यहाँ जो आए हैं वो उनकी हाज़िरी को भी कबूल करे। बाबा साहब के यही दुआ है कि अल्लाह पाक अच्छे कामों को, इस चैनल को नेक नामी के लिए, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए भी ये काम करें। ये नौजवान दोस्त जो है अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। पहले तो असा इस चैनल का शुक्रगुजार बनाए जी कि इतने आए बाद साहब ने दर पर कैनी साहब आए जी, कैनी साहब ना अजरे बिहार कैनी साहब ना बहुत शुक्रिया अदा करने कि जोड़े लोग परदेस चैनल उन्होंने बाद साहब ने हवाले ना बहुत सारिया चीज़ा पहुँचाने पे जिन्हें हमलात ना पहुँचाने पे, ठीक है। इस चैनल की अल्लाह पाक बाद साहब ने सदके ना असी और बेहतर सबाब बना, और दूसरा सुनील दरबारी साहब ने शुक्रिया गुजार रहे असा कि इतने आए जी सरकार, तो सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करने हैं पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान बोलता है जी, इन्होंने शुक्रिया अदा करने हैं जी, और इस चैनल की तुसा सारे ने जी इसकी बेहतरी मारो, इसकी लाइक करो जरूर, ठीक है जी, क्योंकि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है जी, क्योंकि तुसें इसने बहुत सारिया बेहतर चीज़ा मिल सक, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सारे सारिया दोस्तों को भैनों भ्राओ चाह ज्यादा सवेर दरबारी विराल कहने ये जाजू साईं मोहन साहब ज्यादा चाह अल्लाह सोने वाले।
छेड़ो न मुझे लोगो, मेरा पिता दीवाना।